अलिफ पैरा अव्वल में हिंसा 18 को हिंसा 16 से तब्दील कर दिया जाएगा और बा पैरा दुयम में हिंसा 18 को हिंसा 16 से तब्दील कर दिया जाएगा। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, डू यू अपोज इट? जी जनाब स्पीकर, आई अपोज इट। जी मौलाना साहब। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जनाब स्पीकर, इंतहाई अफसोस के साथ अभी मैंने डॉन अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा जो सिर्फ इस्लामाबाद आइस्को के बाकायजात हैं, जिसमें 4523 मिलियन बाकायजात हैं। जनाब स्पीकर, आइस्को, पेस्को, डिस्को, हेस्को, इन सब को अगर आप मिला लें तो ये 14 अरब, मेरे भाई कहते हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब सरदार साहब, लेकिन ये मैं 14 अरब नहीं बल्कि 40 अरब से भी ज़्यादा हैं जो चोरी हो चुके हैं और जो लाइन लाइसेंस के नाम से चोरी हो चुके हैं, हकीकतन चोरी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, बजाय इसके कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाती, बजाय इसके कि महकमों को मजबूत करती और महकमों के अंदर जो चोर डाकू बैठे हुए हैं उनका मुहासबा करते, बजाय इसके कि यहाँ टैक्स का निज़ाम बेहतर बनाते, बजाय इसके कि यहाँ अय्याशी जो हो रही है, गलत इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की हो रही है और लग्जरी गाड़ियों की हो रही है और उम्माल के अहलकारों के बच्चे जो हैं उससे लुत्फानजोज हो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं उनके बेटे मरी में सरकारी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, उन पर कंट्रोल हासिल करते, बजाय इसके कि इस मुल्क में जो अशराफिया है उन पर टैक्स लगाने के बजाय। जनाब स्पीकर, किस चीज़ पर टैक्स लगाया गया है? जनाब स्पीकर, आप खुद SRO के तहत टैक्स लगाने की पावर जो है पावर दी जा रही है मोबाइल फ़ोन पर। जनाब स्पीकर, सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, कोयले पर टैक्स लगाया जा रहा है, सीमेंट पर टैक्स लगाया जा रहा है। शादी, जनाब स्पीकर, शादी हाल आजकल शहरों में आपको पता है कि 2 मरले 3 मरले के घर में रहते हैं, 10-20-15 मेहमानों के लिए भी शादी हाल में जाना पड़ता है। शादी को आसान बनाना चाहिए ताकि बेहाई और फहाशी का खात्मा हो। जनाब स्पीकर, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, सुन्नत पर टैक्स लगा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये जुल्म मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में भी नहीं हो रहा, अमेरिका में भी नहीं हो रहा, यूरोप में भी नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, जो इसलिए बना था कि यहाँ लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि टैक्स पे टैक्स, गरीब को नचोड़ने के लिए, गरीब को दबाने के लिए। जनाब स्पीकर, मैं हैरान हूँ इस बात पर। अभी खत्म कर देता हूँ। सरदार भाई जो हैं ये ठीक है, मुंतखब नहीं है, ये सेनेट के हैं, लेकिन हल्का नहीं रखते। मैं तो हल्का रखता हूँ, आप हल्का रखते हैं, यार मेरे भाई सारे हल्का रखते हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिन लोगों की वजह से आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों की वजह से मैं इस कुर्सी पर जनाब स्पीकर बैठा हूँ और यहाँ इस इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है, आज आप भी और मैं भी और सरदार साहब भी उन गरीबों का गला हम दबा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर पुरा नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू, आप कंक्लूड हो गए, आपका पॉइंट आ गया। मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया, आप बोले। शुक्रिया स्पीकर साहब टाइम देने का, अगर कर ले बात जी, ये मैं अगर वो जो मेरा एक सवाल था उससे स्टार्ट कर लूं? नहीं, पहले अभी अमेंडमेंट पे आप बोले, ये टॉपिक आपके सामने। सेकंड, अच्छा अमेंडमेंट पे बोलूं? सर अमेंडमेंट पे क्या, परसों भी बहुत बोल लिया और बाकी साथियों ने भी बोल लिया, तो अब वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं यहाँ पर और उन्होंने बता भी दिया कि उस दिन वो यहाँ पर क्यों गए थे। ठीक है, तो ठीक, फिर नेक्स्ट पे आप आ जाए।